ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, ओके। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कैसे हम अपनी क्रॉप को, ठीक है, थिंक लाइक अ फार्मर। सबसे पहले क्या किया हमने कि वैरायटी इंप्रूवमेंट की, जो वैरायटी हम लगाना चाहते हैं हमारे फार्म्स में वह बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम एक अच्छी वैरायटी की क्रॉप लगाएं, और उसके लिए ज़रूरी है कि वैरायटी इंप्रूवमेंट की जाए। तो डिफरेंट टेक्निक्स हमने पढ़ी कैसे वैरायटी इंप्रूवमेंट की जाती है। उसके बाद वंस वी गेट द गुड वैरायटी, हमने उसके सीड्स ले लिए, ठीक है, अब हमें उन्हें सो करना है। ठीक है, देन जब जो हमारी सॉइल है, जो हमारे प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, उनके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो क्रॉप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हमने देखा। नाउ वी हैव द क्रॉप, ठीक है, गुड ग्रोन क्रॉप है हमारे पास फार्म्स में, लेकिन इस क्रॉप के भी बहुत सारे एनिमीज हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एनिमीज हैं? डिफरेंट इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे बटरफ्लाइज हैं, कुछ अदर वर्म्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, ये क्या करते हैं, इनके लावा जो है वो हमारी क्रॉप को बहुत हानि पहुंचाते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं इंसेक्ट्स हमारी क्रॉप के लिए। और इसी प्रकार बहुत सारे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, जैसे वायरसेस, जैसे फंगाई, ये क्या करते हैं, डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इनसे भी हमें अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे जिन्हें कि वीड्स कहते हैं। वीड्स जो होती हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो हम नहीं चाहते वह प्लांट्स हमारी जो क्रॉप में यदि आ जाए, उग जाए, तो हम वो भी हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो हमारी क्रॉप का ही न्यूट्रिशन जो है वो शेयर करेंगे। ठीक है, तो वो भी हमारी गुड क्रॉप, गुड क्वालिटी क्रॉप के लिए एनिमीज होते हैं। ठीक है, तो ये सभी, ठीक है, वीड्स, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, इंसेक्ट्स, दे आर कॉल्ड एज पेस्ट, इन्हें पेस्ट कहा जाता है। ठीक है, और इनके लिए जिन केमिकल्स को यूज किया जाता है, जो इन्हें किल कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है पेस्टिसाइड्स। ठीक है, ये पेस्टिसाइड्स जो वीड्स को किल करे वो वीडिसाइड हो सकता है, जो इंसेक्ट को किल करे वो इंसेक्टिसाइड्स हो सकता है, जो फंगाई को, फंगस को किल करे वो फंगिसाइड हो सकता है, जो बैक्टीरियास को किल करे वो बैक्टीरियासाइड हो सकता है। ठीक है, तो दे ऑल आर कॉल्ड एज पेस्टिसाइड टुगेदर। ठीक है, नाउ वी हैव सम नेचुरल वेज ऑल्सो थ्रू विच वी कैन प्रोटेक्ट अवर क्रॉप। ठीक है, कुछ ऐसे तरीके हम अपना सकते हैं जिससे कि हम अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट आर दीज वेज? सबसे पहला तरीका है टू ग्रो द रेजिस्टेंट क्रॉप। ऐसी क्रॉप हम लगाएं जो कि रेजिस्टेंट हो इन पेस्ट के लिए। ठीक है, तो वह कैसे बनाई जा सकती है? हमने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन के तहत जो वाइल्ड वैरायटी होती है, उसे जो है डिजायरेबल कैरेक्टर की वैरायटी के साथ जब हाइब्रिड कराया जाए, तो उससे जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उनमें क्या होगा, डिजीज रेजिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो वाइल्ड वैरायटी होती है, दे आर यूजली रेजिस्टेंट वैरायटी, वे रेजिस्ट करती हैं किसे, इंसेक्ट्स को, फंगस को, डिजीजेस को, तो दे आर कॉल्ड एज रेजिस्टेंट। ठीक है, तो हम अपनी क्रॉप ऐसी लगा सकते हैं जो कि रेजिस्टेंट क्रॉप हो। ठीक है, दूसरा तरीका हो सकता है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न हमने पढ़े, क्रॉप रोटेशन, मिक्सिंग क्रॉप, इनकी वजह से क्या होगा, क्रॉप रोटेशन और मिक्सिंग में क्या होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पेस्ट एक पर्टिकुलर क्रॉप पर ही लाइव रह सकती है, जिंदा रह सकती है, डिपेंडेंट होती है। तो यदि आप क्रॉप रोटेशन करेंगे, तो एक क्रॉप के बाद जब दूसरी क्रॉप लगेगी, तो जो इंसेक्ट है, जो पेस्ट है, वह दूसरी क्रॉप पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और इस प्रकार हम क्या करेंगे, नेचुरली जो है उन्हें रिमूव कर सकते हैं। मिक्सिंग क्रॉप में भी यही होता है कि एक जो है, यदि आप मिक्सिंग क्रॉप लगाते हैं, तो वो इजीली सर्वाइव नहीं कर पाती, पेस्ट जो है वो इजीली सर्वाइव नहीं कर पाती। ठीक है,
ठीक है, ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग द क्रॉप, ठीक है, जो क्रॉप का टाइम है, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हर क्रॉप का, हर जो है पर्टिकुलर क्रॉप का एक पर्टिकुलर सीजन होता है। स्टार्टिंग में ही अब पढ़ा था हमने रबी सीजन, खरीफ सीजन। तो यदि आप सही समय में कोई क्रॉप लगाते हैं तो कम से कम चांसेस होते हैं कि उन पे पेस्ट आए, ठीक है। तो ऑप्टिमम टाइम जो है उसे हमें यूज करना जरूरी है क्रॉप को सो करने के लिए। तीसरा जो है समर प्लफिंग, समर प्लफिंग, सॉरी समर प्लोइंग, ओके, द फोर्थ वे इज समर प्लोइंग। प्लोइंग क्या होता है, ठीक है, जब एक फसल आ जाती है, ठीक है, यूजुअली जब समर में फसल आ जाती है और जो जिन्हें कि हम विंटर सीजन क्रॉप कहते हैं और वो समर में आती है, उनको काटने के बाद जो भी जो है ड्राइड जो रेमिनेंट्स बचते हैं उन्हें क्या किया जाता है, डीप प्लो कर दिया जाता है, ठीक है। दैट मीन्स जो खेत है उसे खोद कर और डीप प्लो कर दिया जाता है उसे, इसे हल जो है खेत जोतना भी कहा जाता है हिंदी में। तो प्लोइंग, प्लीज ये जो है करेक्शन करें इसको, दिस वर्ड इज प्रोनाउंस इज प्लोइंग, ठीक है। जैसे कि इन प्रीवियस लेक्चर आई मे हैव प्रोनाउंस इज अ प्लफिंग बट इट इज नॉट, इट इज प्लोइंग, ठीक है। तो समर प्लोइंग कहा जाता है जिसे डीप प्लो कर दिया जाता है, किसे, रेमिनेंट ऑफ क्रॉप को। क्रॉप के जो भी रेसिड्यूज होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है, खेत को खोद कर डीप प्लो करके और उसमें जो है उन्हें दबा दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी पेस्ट होगी वो क्या होगा कि डीप प्लो करने की वजह से वो अंदर चली जाएगी और फिर जो नई क्रॉप आप लगाएंगे उस पर वह सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसे समर प्लोइंग कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे थ्रू विच वी कैन कंट्रोल पेस्ट नेचुरली। तो दिस इज हाउ वी कैन कंट्रोल पेस्ट नेचुरली, पेस्ट को नेचुरली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यह कुछ तरीके हैं, क्यों, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर, हम इन्हें क्यों अपनाना चाहिए इन तरीकों को, क्योंकि पेस्टिसाइड्स जो है दे आर केमिकल, ठीक है, दे आर केमिकल इन नेचर और बहुत अधिक पेस्टिसाइड्स यूज करने की वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है, ठीक है, क्योंकि जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे उनमें भी पेस्टिसाइड का कुछ कंटेंट होगा, ठीक है। इन दिस वे सम पेस्टिसाइड वी आर ऑल्सो यू नो इंजेस्टिंग, ठीक है। तो इस प्रकार पेस्टिसाइड कम से कम हम यूज करें, उसके साथ हम नेचुरल तरीकों को अपनाएंगे तो क्रॉप को हम अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं वीड्स क्या होती हैं और अदर पेस्ट क्या है, उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली हम देखेंगे डिफरेंट पेस्ट। वीड्स क्या होती है, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड प्लांट इन क्रॉप, ठीक है। तो अनवांटेड प्लांट जो क्रॉप में उग जाते हैं उन्हें हम वीड कहते हैं, और वे केमिकल्स जो वीड को किल कर सकते हैं उन्हें हम वीडिसाइड्स कहते हैं, ठीक है, किल्ड बाय वीडिसाइड, ठीक है। अब ये अनवांटेड प्लांट में, ठीक है, कोई अदर क्रॉपिंग प्लांट भी हम वीड में काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब वीट की क्रॉप आपने लगाई है और उसमें अनवांटेडली यदि बार्ले, ठीक है, या मस्टर्ड के पौधे आ जाए तो दैट इज
दैट विल ऑल्सो कॉल्ड इज वीड्स, उन्हें भी हम वीड्स कहेंगे. अदर कॉमन वीड्स जो आ जाती है क्रॉप्स में वो है पार्थेनिनम. पार्थेनिनम इज वेरी कॉमन, यू कॉल इट गाजर घास, ठीक है, पार्थेनिनम. एमरेंथस, ठीक है, उसके अलावा जेंथियम, ठीक है, मोथा, ठीक है, दीज आर ऑल नोन एज द वीड्स. ठीक है, इन्हें हम वीड्स कहते हैं जो अनवांटेडली आ जाती है. कॉनवोल्व्यूलस, कॉनवोल्व्यूलस, कॉनवोल्व्यूलस इज ऑल्सो वन पेस्ट, वन वीड विच कैन कम अनवांटेडली इन अवर क्रॉप्स. ठीक है, तो दीज आर कॉमनली नोन वीड्स जो कि क्रॉप्स में आ जाती हैं और हम उन्हें वीड्स कहते हैं. अब हमें यह जानना जरूरी है कि भाई वीड्स तो एक प्लांट है, तो हमारी क्रॉप के लिए वो कैसे हार्मफुल हो सकती है, तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, ठीक है, या व्हाट आर द हार्म्स ऑफ वीड्स, वीड से क्या हार्म है क्रॉप को. तो बहुत फर्क पड़ता है वीड्स की वजह से. क्या होता है कि जब एक दूसरा पौधा जो कि हमें जरूरत नहीं है हमारी क्रॉप में यदि आ जाए तो वो किस तरीके से हमारी क्रॉप को अफेक्ट करेगा. ठीक है, सबसे पहले तो एक प्लांट है तो दूसरे प्लांट को वो कंपीट करेगा किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, स्पेस के लिए, सनलाइट के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए. ठीक है, तो क्या होता है कि जब क्रॉप में वीड्स आ जाती हैं तो दे कंपीट विद अवर क्रॉप प्लांट फॉर न्यूट्रिशन, फॉर स्पेस, फॉर सनलाइट, फॉर फर्टिलाइजर्स. इस प्रकार जो फर्टिलाइजर्स हमारी क्रॉप के लिए थे वो कौन ले रहा है, वो वीड्स ले रही है. जो न्यूट्रिशन हमारी क्रॉप के लिए थे वो कौन ले रहा है, वो वीड्स ले रही है. तो इस प्रकार व्हाट दे आर डूइंग, दे आर शेयरिंग द न्यूट्रिशन, शेयरिंग द स्पेस, शेयरिंग द सनलाइट, शेयरिंग द फर्टिलाइजर्स. और हमारी क्रॉप जिसके लिए हम ये सब दे रहे हैं या जो उनकी जरूरत है वो शेयर कर रहे हैं और उनके लिए वो डेफिशिएंट होगा. ठीक है, और इस प्रकार जब इन चीजों में कंपटीशन होगा, जब इन चीजों में शेयरिंग होगा, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप है वो कम होगी. क्रॉप यील्डिंग कम होगी, ठीक है, क्रॉप की क्वालिटी खराब होगी क्योंकि वो उसे जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो कौन लेके जा रहा है, वो वीड्स लेके जा रहा है. तो इस प्रकार ये बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे क्रॉप्स के लिए. ठीक है, और थर्ड वन, दे स्प्रेड वेरी फास्ट. जो वीड्स होती हैं बहुत फास्टली स्प्रेड होती हैं. क्यों, क्योंकि वो बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करती हैं और वो बहुत सारे सीड जब प्रोड्यूस होते हैं, स्प्रेड होते हैं, तो वो फिर से प्लांट बनते हैं और फिर से हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं. तो दे स्प्रेड वेरी फास्ट. सो दीज आर द रीजन वाई वीड्स आर वेरी हार्मफुल फॉर अवर क्रॉप्स. ठीक है, तो अब हम इस वीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे कि वीड्स, हाउ वी कैन कंट्रोल द वीड्स. ठीक है, तो कैसे आप जो है वीड्स को रिमूव करेंगे. ठीक है, तो हाउ टू रिमूव और हाउ वी कैन कंट्रोल. ठीक है, तो सबसे पहले हम मैन्युअली रिमूव कर सकते हैं. जो भी वीड्स प्लांट है उसे हम क्या करें, अपने हाथ से रिमूव करें, बाय हैंड. ठीक है, बाय इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स मशीनरीज की सहायता से हम उन्हें रिमूव कर दें. ठीक है, और रिमूवल बाय यूजिंग केमिकल्स, वीडिसाइड यूज करके हम उन्हें किल कर दें. ठीक है, तो वीडिसाइड यूज करके हम उन्हें किल भी कर सकते हैं. अब हैंड रिमूवल या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिमूवल या फिर केमिकल्स के द्वारा किल कर दिया जाए उन्हें. ठीक है, अब हम समझेंगे कि कैसे ये जो वीडिसाइड्स हैं किस किस प्रकार के होते हैं. ठीक है, और इसके अलावा भी जो है बायोलॉजिकल मेथड भी है जो हम देखेंगे कि कैसे बायोलॉजिकल हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं. और एक और है, दैट इज
कल्चर मेथड जो कि मैंने बताया कि प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड, सो दिस इज वन मोर थिंग, ठीक है. तो थर्ड वन इज बाय यूजिंग केमिकल्स, फोर्थ वन इज बाय नेचुरल वेज, ठीक है. और नेचुरल वेज में है एक कि कैसे हम किसी जो वीड्स होती हैं, पर्टिकुलर वीड्स, उनको उन पे यदि हम कोई इंसेक्ट्स जो हैं वो डाल दें जो कि उस वीड को खत्म करें और हमारे क्रॉप को प्रभावित ना करें, तो इस प्रकार भी यूज किया जाते हैं. इस प्रकार इंसेक्ट को जो है क्रॉप में इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका यूज किया जाता है. तो नेचुरल वेज में है कि एक तरीके से हम किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को वीड्स पे डाल दें जो उसे खाता हो, तो इस प्रकार वो नेचुरल तरीके से उस वीड को खत्म कर देगा, ठीक है, और हमारी क्रॉप आपको बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है. दूसरा तरीका बाय प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, कि हम प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन करें बिफोर द सोइंग द क्रॉप, क्रॉप रोटेशन करें, इंटरक्रॉपिंग करें, जिससे कि वीड्स जो है वो सर्वाइव ना कर पाए, ठीक है. तो इस प्रकार दीज आर द नेचुरल वे. नाउ वी विल सी सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ केमिकल्स जो कि वीड्स को कंट्रोल करते हैं या वीड्स को किल करते हैं. तो कौन कौन से केमिकल्स हैं, 2,4-डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, देन डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड एसिटिक एसिड, ठीक है. 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एक केमिकल्स है जो कि वीडिसाइड के रूप में यूज किया जाता है. देन 4-क्लोरो 2-फिनॉक्सी मिथाइल फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, जिसे MCPA भी कहा जाता है. देन ब्यूटाक्लोर एट्रिजाइन, सो दीज आर द जस्ट नेम, यू नो, यू कैन जस्ट उन्हें आपको बाय हार्ट ही करना पड़ेगा. तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स विच कैन बी यूज एज वीडिसाइड. इन केमिकल्स की खास बात ये है कि जब आप इन्हें स्प्रे करते हैं वीडिसाइड पे, हाउ वी कैन यूज, वी कैन स्प्रे इट्स सॉल्यूशन टू द वीडिसाइड, और जब आप इसको स्प्रे करेंगे वीडिसाइड पे तो इट विल किल only weeds and not your crop. So these are, you know, some chemicals which can kill the weeds, and through them we can control weeds. And ये जो है इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे हम वीट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. तो क्रॉप प्रोटेक्शन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि क्या क्या जो नुकसान करते हैं हमारे क्रॉप्स को, कौन कौन सी चीजें हैं. तो वीड्स, इंसेक्ट, पैथोजन, रोडेंट्स, ये हमने देखा, इन्हें हम पेस्ट कहते हैं. इनको किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें जो वीड्स को किल करते हैं वो वीडिसाइड कहलाते हैं, जो इंसेक्ट को किल करते हैं वो इंसेक्टिसाइड्स कहलाते हैं, ठीक है, जो फंगस को किल करते हैं वो फंगीसाइड्स कहलाते हैं, जो बैक्टीरियास को किल करते हैं वो बैक्टीरियासाइड कहलाते हैं, बैक्टीरियासाइड कहलाते हैं, ठीक है. तो इस प्रकार दीज आर डिफरेंट केमिकल्स जो कि यूज किए जाते हैं एज अ पेस्टिसाइड्स. सबसे पहले हमने देखा कि नेचुरल तरीके से किस प्रकार उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, तो रेजिस्टेंट क्रॉप उगाएं, क्रॉप रोटेशन करें, ठीक है, डीप प्लफिंग करें जिसे समर प्लफिंग कहते हैं, प्रॉपर प्रिपरेशन करें सीड बेड का बिफोर द सोइंग द क्रॉप. फिर हमने देखा वीड कंट्रोल, कैसे हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं. वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट, ठीक है, यह सेम वेराइटी का प्लांट भी हो सकता है, लेकिन बिकॉज इट इज अनवांटेड वी कॉल इट वीड्स, ठीक है. फिर हमने देखा कि किस प्रकार वीड्स हमारी फसलों को हार्म करती है, तो इट कम्पीट विद अवर क्रॉप इन न्यूट्रिशन, स्पेस, सनलाइट, फर्टिलाइजर्स, एंड इट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ अवर क्रॉप, ठीक है. दे स्प्रेड वेरी फास्ट, सो दे आर वेरी हार्मफुल, ठीक है. नाउ वी हैव सीन सम कॉमन एग्जाम्पल, पार्थेनियम, एमरेंथस, जैंथियम, मोथा, ठीक है, एंड कॉन्वॉल्व्यूलस. इस प्रकार ये हमने एग्जाम्पल्स देखे. एंड नाउ हमने देखा हाउ वी कैन रिमूव, हाउ वी कैन कंट्रोल द वीड्स. फिर हमने देखा कि बाय रिमूवल बाय हैंड, रिमूवल बाय इंस्ट्रूमेंट, बाय यूजिंग द केमिकल्स, एंड बाय सम नेचुरल वेज.
In removing the chemicals, they are called pesticides, and these are some common example: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid, जिसे MCPA भी कहा जाता है, then butachlor, atrazine, these are some common example of weedicide, and then by natural ways, I have told you what is called as. इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैथड. सो बायोलॉजिकल मैथड्स में एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि कॉकिनियल इंसेक्ट होता है, एक बग होता है, जिसे कि ओपंशिया नामक वीड को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है. तो इस कॉकिनियल इंसेक्ट को इस वीड पर छोड़ दिया जाता है और फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे इसे खत्म कर देता है. तो इस प्रकार ये बायोलॉजिकल मेथड कहलाती है. नेचुरल तरीके से हम जो है इस प्रकार वीड्स को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं. दूसरा एक तरीका नेचुरल वे में हमने देखा कि कैसे हम कल्चरल जो है तरीके में चेंज करके या कल्चरल मेथड्स के थ्रू. सो अदर वन इज कल्चरल मेथड, जिसमें क्रॉप रोटेशन, सीड बेड प्रिपरेशन, ये जो चीजें आती हैं. ठीक, तो इस प्रकार हमने पढ़ा वीड कंट्रोल. अब हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स, जो कि हमारी फसलों को प्रभावित करते हैं, और उसके अलावा हम देखेंगे डिजीजेस, कैसे डिजीज जो है वो प्रभावित करती है हमारी क्रॉप्स को.